प्रेजेंटेड बाय पतंजलि रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में दुकानों मकानों के साथ तोड़े गए 3 मंदिरों को लेकर प्रदेश की सियासत चरम पर है। इस घटना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। बीजेपी जहां कांग्रेस पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस नेता इसको लेकर बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले की जांच के लिए बीजेपी की ओर से गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को सौंप दी है। इस कमेटी के अध्यक्ष एवं सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आखिर क्या है पूरा मामला और सांसद ने सीएम अशोक गहलोत को लेकर क्या क्या बयान दिया है, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती द्वारा राजगढ़ मंदिर प्रकरण में प्रदेश भाजपा द्वारा बनाई गई तथ्यात्मक जांच समिति द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया को सौंपने के बाद प्रेस वार्ता कर मीडिया के समक्ष तथ्यों को रखा। पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद ने कहा कि 17 अप्रैल को राजगढ़ में जिस प्रकार से मंदिरों पर और लोगों के मकानों पर बुलडोजर चले, उनको तहस नहस किया, उनको तोड़ा गया, उनकी वास्तविकता को जानने के लिए तथ्यात्मक जांच के लिए एक 5 सदस्यों की समिति बनी। हम वहां पर मौके पर गए और पूरी वस्तु स्थिति से अवगत हुए। लगभग 1 घंटे का समय मैंने जिस घटना स्थल के ऊपर 3 मंदिर तोड़े गए और लोगों के मकान तोड़े गए उसका दौरा किया और बहुत सारे लोगों से रूबरू होकर के बातचीत की, उनसे मिला। वहाँ हमारे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं नगरपालिका के, उनसे भी बैठ करके बातचीत की और उनसे डॉक्यूमेंट्स भी लिए। वहाँ अधिकारियों से भी बात की, ADM, SDM, उन दोनों को बुला करके भी उनसे बात की और सारी बातचीत होने के बाद हम इस विषय पर पहुँचे। मुझे आश्चर्य हुआ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी जब उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों के मकानों पर बुलडोजर चलाती है तो उस समय वो उनके रहनुमा बनते हैं और ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गरीब लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा है, लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा है, बिना बताए तोड़ा जा रहा है, वो बेचारे कहां जाकर के ठहरेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान सुबेदानंद सरस्वती ने आगे कहा कि 300-300 साल पुराने मंदिरों को जिस तरह से तहस नहस किया गया, जिस तरह से उन पर JCB चला गई, बुलडोजर चलाए गए, हथौड़े चलाए गए और पूरे शिव परिवार की मूर्तियों को तोड़ करके जैसे वो नालों में जाकर के पड़ी और मंदिरों को जिस तरह से तोड़ा गया, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की अराजकता तो हमने कभी नहीं देखी थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि साहब बोर्ड ने, भाजपा के बोर्ड ने निर्णय लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या सालासर के अंदर, सुजानगढ़ के अंदर सालासर का जो गेट तोड़ा गया जिसके ऊपर सारी मूर्तियां उपस्थित थी, वहां भी भाजपा ने फैसला लिया था और कई स्थानों पर इस प्रकार की घटना घटित हुई, क्या वहां भी भाजपा ने फैसला लिया था? गौशाला तोड़ी गई, क्या वहां भी भाजपा के बोर्ड का फैसला था? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के नेता, एक नेता ने तो यहां तक कह दिया, यानी मर्यादा भी किसी चीज की होती है। जिस पद पर हम बैठे हैं उस पद के ऊपर बैठ करके एक मर्यादा भी होनी चाहिए
एक नेता मैं बताना चाहूँगा, प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने तो यहाँ तक कह दिया कि भगवान कपड़े पहन करके सन्यासी बनकर के लोग झूठ बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि उनको अपने गिरेबान पर झांकना चाहिए और उनको विचार करना चाहिए। हमने तथ्यात्मक विषय पेश किए थे, बोरल का वो प्रस्ताव आज मेरे हाथ में है। मैं पहले भी राजगढ़ में भी रामगढ़ में भी मैंने उस प्रस्ताव को राजगढ़ में भी लोगों के पत्रकारों के सामने पेश किया था। वहाँ स्पष्ट किया है हमारे बोर्ड के मेंबर्स ने कि वसुंधरा जी के समय में जो गौरव पथ बना था उसकी चौड़ाई 30 फुट थी, वो भी बाजार में बना, इसलिए कहा गया इसको पूरा किया जाए। और उस रिपोर्ट में स्पष्ट है, उस प्रस्ताव में स्पष्ट है, वहाँ के अधिशासी अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि कुछ छज्जे उसमें आ रहे हैं, चबूतरे आ रहे हैं, उनको हटा दिया जाए। तो क्या मंदिर का भी छज्जा था, क्या मंदिर का भी चबूतरा था? वहाँ तो पूरा मंदिर ही आ गया। तो वहाँ का अधिशासी अधिकारी खुद एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इसके विपरीत मैं आपसे कहना चाहूँगा, वहाँ के विधायक जोरीलाल मीणा मीटिंग में उपस्थित थे, वहाँ की उपाध्यक्ष जो कांग्रेस की में चली गई वो उपस्थित थी, राजेंद्र बेरवाल जो वहाँ का पार्षद है कांग्रेस का वो उपस्थित था। और पूरी कार्रवाई पढ़ करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से राजेंद्र जी जो कांग्रेस के पार्षद हैं उन्होंने बार बार ये बात कही कि केवल 3 दिन का नोटिस दे करके और इन मकानों को तोड़ दिया जाए, अतिक्रमण को हटा दिया जाए, जबकि प्रस्ताव में ये हुआ था कि चिन्हित किया जाए। आप सब लोग इस बात से अवगत हैं, चिन्हित का मतलब क्या होता है कि पहले चिन्हित किया जाए कि ये हिस्सा अतिक्रमण का है, फिर उनको नोटिस दिया जाए, उनकी सुनवाई की जाए और सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो उनको तोड़ दिया जाए। वहीं राज्य सरकार की दमनकारी नीति पर सवाल खड़ा करते हुए सुबेदानंद ने कहा कि आस्था पर ठेस पहुंचाने के साथ साथ गहलोत सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। जिनके मकान टूटे वो बेघर हो गए, कई घरों की सीढ़ियां, शौचालय, रसोई और पानी की टंकियां भी तोड़ दिए। वहां बुजुर्ग महिला छतों पर बैठे हैं और वहां पानी व बिजली भी नहीं है। राज्य सरकार से मांग करते हुए स्वामी ने कहा कि जिन मंदिरों को तोड़ा गया उसके लिए सरकार माफी मांगे और साथ ही उन मंदिरों को वापस बनाया जाए। पट्टा होने के बावजूद जिन लोगों को बिना नोटिस दिए मकान तोड़े उनको मुआवजा दिया जाए या फिर मकान बनाए जाए, और जो भी अधिकारी इस पूरे प्रकरण में दोषी है जल्द से जल्द उनके खिलाफ न्यायिक जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।